हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन वाला। आज की वीडियो में हम देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए ये काइट वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। और ये है चोली, एकदम छोटे साइज के कान्हा जी के लिए मैंने बनाई है। इनकी लंबाई है 1.75 इंच, 1.75 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जितना आता है उतना। ये है हमारी चोली। तो पहले हम ये चोली पहनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ऐसे करके पहनानी है। ये इस तरह से आएगी। ऐसे आने के बाद ये हमने यहाँ पे जो डोरी लगाई हुई है इसे हम बांधेंगे। बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है और इसे पहनाना बहुत इजी है। ये सभी कान्हा जी लोग मेरे पास सेल होने के लिए आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ इन्हें वुडन के ऊपर बिठा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, इनकी मैं पूजा नहीं करती। ये मैंने यहाँ पे हमने डोरी को बांध दिया, इस तरह से बांध दूंगी। ये देखें, ये इतना एक्स्ट्रा है तो हमें इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो ये मैं कट कर लूंगी। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख लीजिए। देखिए कितने अच्छे से चोली फिट आ गई है कान्हा जी को। अब हम ये जो ड्रेस है वो पहना लेंगे। तो ये जो डोरी है वो हम अंदर की साइड कर लेते हैं, जिससे ये हमारी ऊपर ना आए डोरी, हम खींच के अंदर ही बांध देंगे इसे। यहाँ पे ये इजिली आ जाएगी इन्हें। ये देखें यहाँ पे ये जितना फैलाएंगे आप फैल जाएगी। इन्हीं के लिए बनी है, एकदम परफेक्ट इन्हें आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पहनाने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashionvilla50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये देखें इस तरह से ये हमने अपनी ड्रेस की डोरी को भी बांध दिया है। बहुत ही छोटी सी ड्रेस मैंने बनाई है। ये देखें ये इस तरह से बांधने के बाद यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी। देखिए आप गोद में बैठा के पहनाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहनाने में। ये देखें ये इस तरह से हमारी काइट वाली ड्रेस आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, एकदम छोटी सी है। तो आप भी इसे इजिली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू और येलो कलर में ऊन लिया हुआ है, और इसके साथ हमने यहाँ पे ये 9 नंबर में सिलाई ली है। ये देखें ये हमारी 9 नंबर की है। तो चलिए हम अपना बुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। ये देखिए ये हमने येलो कलर का ऊन ले लिया और इससे हम यहाँ पे 5 फंदे डालेंगे। ये इस तरह से करके हमने एक फंदा डाला, ये हमारा दूसरा, ये हमने तीसरा फंदा डाल दिया, ये चौथा, और ये हमारा पांचवा। हमने यहाँ पे 5 फंदे डाल दिए। अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखें ये ऐसे करके हमें उल्टा उल्टा बुन देना है, ये इस तरह से। और ये जो छोटा वाला ऊन है आप इसी में ऐसे करके फंसा लीजिए, तो यहीं पे ये हमारा हाइड होता चला जाएगा। ये हमारी उल्टी साइड है क्योंकि हम इधर अपना ऊन ये फंसा रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, जिधर आप इसे फंसाइए वो आप अपनी उल्टी साइड लीजिए। मैंने देखिए यहाँ पे 3-4 फंदे में फंसा दिया है और ये लास्ट का ऐसे ही बुन दूंगी। ये हमारा 5 फंदा जो है वो बुन गया। अब इसे हम पास से कट कर सकते हैं। ये हमने अपना छोटा वाला ऊन कट करके हटा दिया। अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई भी प्लेन बुन देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बुंदी, और तीसरी सिलाई में हम यहाँ पे फंदे को घटा लेंगे। ये देखें इस तरह से 2 फंदा हमने एक साथ बुन दिया। फिर हम यहाँ पे बुनेंगे 2 फंदा और लास्ट का 2 एक साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। ये देखें ये वाली सिलाई हमने इस तरह से प्लेन बुंदी ऐसे करके, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखें ये ऐसे करके हम यहाँ 3ों फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। अब यहाँ पे हमें ये एक फंदा ऐसे ही उल्टा बुन लेना है। अब हम इस साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ अपना दूसरा कलर लगा लेंगे, ये कलर हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर दिया, ये हमारी उल्टी साइड है। तो अपना ये स्काई ब्लू कलर ऊन लगा लूँगी। ये हमने ऊन को लगाया और यहाँ पर हम इसे बुनेंगे। तो देखिए ये हमने एक फंदा बुना और निकाल लिया। निकालने के बाद इसे आप खींच लीजिए टाइट इस तरह से। ये हमने खींच दिया और हम इसे इधर लेके आएंगे। इधर भी हमें
इस तरह से बुन देना है। ये देखें यहाँ पे हमने एक फंदे में ही दो फंदा बना लेना है, ये हमारी सीधी साइड है। तो देखिए इस तरह से मैंने दो फंदा बना दिया, ये दो फंदा हो गया हमारा एक फंदे से ही। अब हम फिर आएंगे इधर उल्टी साइड, और उल्टी साइड हमें इसे उल्टा उल्टा बुनना है, कोई फंदे बढ़ेंगे नहीं। यहाँ से ये जो ऊन हमारा आ रहा है इसी में हम हाइट कर लेंगे, इसे ऐसे करके हाइट कर देंगे, और उसके बाद ये दो फंदों को हमें बुन लेना है। इसे आप फंसाते चलिए इसी में, ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब फिर हम सीधी साइड आए हैं, अब फिर हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाना है, एक फंदा हमने ऐसे करके बढ़ा दिया, और फिर हम इसे आगे ले आएंगे और दूसरा फंदा भी ऐसे ही बढ़ाएंगे, दूसरे में भी। अभी हमारे दो से चार हो गए, ये देखें हर सिलाई में हमें अब दो दो फंदे बढ़ाने हैं। बस उल्टी सिलाई हमें प्लेन बुननी है उल्टी उल्टी, जब सीधी साइड आएंगे तो सीधी साइड में हमें अपना दो फंदा बढ़ा लेना है, ये इस तरह से। ये देखें ये ऐसे करके बुन दिया, अब फिर हम सीधी साइड आ गए हैं, यहाँ पे फिर से हम दो फंदा बढ़ाएंगे, ये ऐसे करके ये हमने बढ़ा दिया, बीच के दो फंदे हमने प्लेन बुन दिए। बस स्टार्टिंग और एंड वाले फंदों में हमें फंदे को बढ़ाना है, और इसमें फिर से हमने अपने फंदे को बढ़ा दिया है। अब फिर हम इस साइड आ गए हैं, और यहाँ पे हम उल्टा बुन देंगे, उल्टी साइड हमें एकदम प्लेन उल्टा उल्टा बुनना है। जब सीधी साइड आएंगे तो हम अपने फंदे को बढ़ा लेंगे, ये हमने उल्टी साइड प्लेन उल्टा उल्टा बुन दिया, और ये सीधी साइड आए हैं तो यहाँ पे अब फिर फंदे को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग वाले फंदे में एक फंदा हमें बढ़ा लेना है, ये देखिए बढ़ गया, और बीच के फंदों को प्लेन बुन के लास्ट वाले फंदे में एक फंदा बढ़ा देंगे, ये देखिए प्लेन बुन दिया, लास्ट वाले फंदे में हमने एक फंदे को बढ़ा लेना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए फिर उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे, चलिए बुनती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए फिर हम सीधी साइड आ गए, फिर हमें उसी तरह से फंदे बढ़ाना है। अब मैं इसे ऐसे ही करके थोड़ा सा बड़ा करूँगी, ये देखें ये इसी तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए। फिर हम यहाँ पे आए और बीच के सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन देने हैं, ये हमने बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है, और लास्ट के फंदे में फिर फंदा बढ़ाना है। तो चलिए अब मैं इसी तरह से इसे थोड़ा सा लंबा करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ पे ये एक दो तीन चार चार धारियाँ उभरी हैं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने इसे यहाँ पे इतना बुन लिया है, अगर आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः धारियाँ मैंने बुन ली है। टोटल हमारे फंदे जो हो गए हैं बढ़ के, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का डबल करें तो 14, 14 फंदे हो गए हैं। अब हमें देखिए इस सिलाई में फंदे को घटाना है 20 से, हम 20 से अपनी कमर बनाएंगे। तो एक फंदा बुन दिया, दो तीन ये चार और पाँच, पाँच फंदा बुनने के बाद हम यहाँ पे 20 से चार फंदे घटाएंगे। दो फंदे को हमने एक साथ बुना, एक फंदा घट गया, फिर इस फंदे को 20 से सिलाई में ले लेंगे। दो फंदे को एक साथ बुन दिया, दो फंदा घट गया, फिर इस फंदे को 20 से सिलाई में लेंगे, ये हमारा तीन फंदा घट गया, फिर इस फंदे को 20 से सिलाई में लेंगे, ये हमारा चार फंदा घट गया। इधर भी देखिए अब हमारे पास पाँच फंदे बच गए हैं, ये इस तरह से, ये देखें ये हमारा पांच फंदा हो गया। अब हमें यहाँ से फंदे को घटाना है, देखिए ये अभी तक हम बढ़ा रहे थे फंदे को, अब हमें यहाँ पे फंदे को घटाएंगे, और बीच में आपने जितना भी फंदा घटाया है उतना बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से दो फंदे हमने एक साथ बुन दिए, जब सीधी साइड आएंगे तभी हम फंदों को घटाएंगे, और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे बुनेंगे। अब बीच में हमने चार फंदे घटाए थे तो यहीं पे चार फंदे हम बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से करके एक फंदा हमने डाल दिया, दो फंदा हमने डाल दिया, तीन चार, अब फिर हम इधर बुन लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा तुरंत ही हो गया है। अब ये दो फंदे फिर हम एक साथ बुन देंगे, जैसे हम स्टार्टिंग और एंड में फंदे को बढ़ा रहे थे उसी सीरीज में हम फंदे को घटा रहे हैं, और उल्टी साइड हमें सभी फंदों को प्लेन उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखें
ये इस तरह से करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमने बीच में जो फंदे डाले हुए हैं ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। अगर कभी कभी ये आपके फंदे ना बुने तो इस तरह से ऐसे फैलाइए, फैलाने के बाद ऐसे उल्टा करके बुन दीजिए। ये देखें, ये ऐसे करके बुन देना है। बहुत टाइट टाइट फंदे डालेंगे तभी आपके नहीं बुनेंगे, और पहला फंदा थोड़ा सा दिक्कत भी करता है, बाकी सारे फंदे नॉर्मल बुन जाते हैं। बहुत टाइट टाइट ना डालें फंदों को, हल्के हाथों ही डालें। टाइट टाइट डाल देंगे तो कमर पे पहनाने में भी प्रॉब्लम होगी। ये इस तरह से हो गया, ये देखिए। अब फिर हम सीधी साइड आए हैं तो फिर हमें यहाँ पे फंदों को घटाना है। ये देखिए, दो फंदा मैंने एक साथ बुन दिया, अब यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये ऐसे करके, और फिर लास्ट के दो फंदे हम एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, ये ऐसे करके आएंगे और ये लास्ट के दो फंदे हमने एक साथ बुन दिए इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास देखिए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस फंदे हैं। अभी हम उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड आएंगे तो इसी तरह से घटाएंगे, हमारे आठ फंदे हो जाएंगे। चलिए इतना करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हम यहाँ पे अपना उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए, दो दो चार, दो छः, दो आठ फंदे बचे हैं। अब बस यहाँ पे हम अपना ये स्काई ब्लू कलर निकाल देंगे और अब हमें पूरा येलो कलर से बुन देना है। तो इस तरह से इसे कट कर लेती हूँ और यहाँ पे हम ये येलो कलर लगा लेंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से हमें अपने कलर को लगाना है। यहाँ पे ये दोनों ऊन एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ हमारा सेम रहेगा। बस यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड थोड़ी दूर कलर ये हम अपना अलग लगा लेंगे। एकदम छोटी सी पोशाक मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत कम इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी जो इतनी छोटी ड्रेस की आपको वीडियो मिले। मैं भी अपने चैनल में बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बट फिर भी आपको मिल जाएगी काफ़ी सारी वीडियो। ये देखें, ये इस तरह से मैंने बुन दिया। अब फिर सीधी साइड आएंगे तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। देखिए, दो फंदे को हमने एक साथ बुन दिया, बीच के फंदों को प्लेन बुनूंगी इस तरह से, ऐसे करके, और लास्ट के हमने दो फंदे फिर एक साथ बुन दिए ऐसे करके, और फिर हम उल्टी साइड आएंगे। अब इसे ऐसे ही करके हम घटाएंगे। चलिए घटा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी फंदे को घटा दिया। लास्ट में हमारा जब इस तरह से एक फंदा बचेगा तो इसे हमें क्या करना है, ऐसे खींच के लंबा करना है। लंबा करने के बाद यहाँ से ऊन को निकालेंगे और इस तरह से हमारी नॉट आ जाएगी और इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल पतंग बन गई है और ये इस रास्ते हम अपने कान्हा जी को पहना लेंगे। आप देखिए, बहुत सुंदर लग रही है। अभी हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो एकदम अच्छा सा हमारा लुक आए। अब देखिए, यहाँ पे चोली के लिए हमने 15 फंदे डाल दिए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, सीधी साइड सीधा बुनना है, ये हमारी सीधी साइड है तो यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हमें एकदम छोटे से कान्हा के लिए हम बना रहे हैं तो वैसे भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। तो चलिए, अब मैं इसे बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 सलाइयाँ बुन दी है और चौथी सलाई में इसे घटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अपना थोड़ा सा ऊन लेंगे और डायरेक्ट मैं ये ऊन ही इसमें डाल दूंगी क्योंकि इतना छोटा है ये, अगर हम डोरी वगैरह बनाएंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। आप सुई की हेल्प से इसमें ऊन अपना ये डाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया और डाल के हम बांध देंगे। इसी की हेल्प से हम अपनी चोली बांध लेंगे। ये इस तरह से देखिए हमने डाला, बस अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे अपनी काइट को भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। ये इस तरह से करके इस पर ये स्टोन चार्ट थी मेरे पास लगा दी, यहाँ पे दो स्टोन बटन लगा दिए और यहाँ ऊपर भी हमने ये स्टोन चार्ट लगा दी। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही छोटी सी मैंने इस बार बनाई है आपको, और बड़े साइज में इसके पहले मैंने बता दिया है आपको। अब चलिए पहना लेते हैं कान्हा जी को, फिर दिखाती हूँ आपको। बट पहनाने के पहले इसमें भी हम अपनी डोरी डाल लेते हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये देखें, इस तरह से करके आप सुई की हेल्प से डाल दीजिए, मैं हुक की हेल्प से डाल रही हूँ, आप सुई धागे की हेल्प से इजीली डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से करके हमें डाल देना है, यहाँ से ये हुक से भी निकल जाता है और सुई धागे से तो मतलब निकल ही जाएगा। तो आप सुई धागे की हेल्प से डालिए, मैंने यहाँ पर ये ऊन को निकाल लिया। ऐसे करके इसके पूरे राउंड से निकालूंगी। चलिए निकाल लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आप। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें ये अपनी डोरी डाल दी। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो ड्रेस है ये मैंने
कान्हा जी को पहना दी है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आ गई है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कितने में आ रही है, बस इतनी बड़ी सी है, बहुत छोटी है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। वीडियो पूरी देखिए, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।